देख रहे हैं कि आज भी टाटा स्टील में वॉल्यूम बहुत ही ज़बरदस्त है मंदार, करीब करीब 4.5 करोड़ शेयरों के सौदे हो चुके हैं। आप स्टॉक हालांकि आज एक रेंज में ही रहा है, तीसरे दिन फॉल ज़रूर है लेकिन 115 के आसपास एक बेस बनाने की कोशिश है। चूंकि मेटल स्टॉक्स में लोग अब बिल्कुल एक ट्रेडर मेंटेलिटी वाले नज़रिए से अब एक्टिव हो रहे हैं, टाटा स्टील आपको लगता है कि कॉन्ट्रा बाई कर सकते हैं यहाँ से? अभिषेक, अभी तो नहीं क्योंकि स्टॉक रेजिस्टेंस पे है। ये अगर पिछले 6 महीने का चार्ट देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि 115, 120 इस तरीके का स्टॉक में रेजिस्टेंस बना हुआ है। आज भी देखिए, यानी कल कल और ये पिछले 2-3 दिनों का अगर ट्रेड देखते हैं तो स्टॉक ऊपर में चला, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रेंथ के साथ चला था। ये डेट है 2 तारीख का, 2 जन को इसमें एक बढ़िया सा वॉल्यूम भी देखने को मिला। लेवल्स भी जो 115 का रेजिस्टेंस था वो भी ब्रेक करके ऊपर चला, लेकिन समा ऊपर की तरफ इस स्टॉक में ना बाइंग नहीं आ रहा है। और देखिए, पिछले 3 दिन से ये ड्रिफ्ट होते हुए फिर से वो 115 की 116, 115 के लेवल्स पर वापस आ गया। तो अब यहाँ पे से अगर सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस बैक कर देता है तो यस, इसमें जरूर पोजीशन बन सकती है। लेकिन अगर ये 115 ब्रेक करके फिर से नीचे आ जाता है तो फिर से वो जो पुरानी लेवल थी 96 और 115 वाली, वो रेंज में फिर से वो आ जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि फिलहाल तो कॉशियस रहना चाहिए। अगर ये 115 का सपोर्ट लेके अगर ऊपर चलता है तो यस, इसमें पोजीशन जरूर बन सकती है। 113 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और उस केस में ये स्टॉक ऊपर में 135, 140 तक ऊपर चल सकता है। ठीक है, टाटा स्टील 135 तक जाने का इसमें दमखम बन सकता है, बशर्ते जो कुछ वंदार ने सजेस्ट किया है वो चीज़ फॉलो हो। तो आज हम देख रहे हैं अजीत कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स में थोड़ी सी नरमी है ऊपरी स्तरों से, आज भी थोड़े सुस्ती वाले हैं दौर अजीत कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स में थोड़ी सी नरमी है ऊपरी स्तरों से, आज भी थोड़े सुस्ती वाले दौर में है एक बड़ी तेज़ी के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें इंटरेस्ट बना रहेगा जब तक बजट आ नहीं जाता तब तक। आरसीएफ देखिए हालांकि 2% कमज़ोर है, एनएफएल में कमज़ोरी है, हालांकि फैक्ट आज भी हम देख रहे हैं कि शेयर 5% के अपर सर्किट पर है लगातार दूसरे दिन। कहीं मौके आपको दिख रहे हैं लोअर लेवल्स पर? देखिए अभिषेक, नो डाउट काफी ज्यादा ट्रैक्शन रहा है, इनफैक्ट बहुत वॉलेटाइल भी रहे हैं। तो अगर एक दो स्टॉक्स को अगर लिस्ट से रिमूव करते हैं तो ज्यादातर आपको देखेंगे कि पॉजिटिव टोन के साथ ही दिख रहे हैं। मुझे लगता है आरसीएफ को आप ग्रेजुअली एक्रिमिनेट करने के बारे में सोच सकते हैं। कल का सेशन पॉजिटिव था, आज के दिन थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग में है, तो करीब 130 से लेकर 125 का जोन है, ये अच्छा बाइंग जोन होगा मेरे हिसाब से। और 120 आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि उस आरसीएफ अगर आप देखेंगे अभिषेक, तो 2008 से लेकर जो पीरियड था करीब 2022 तक का, इस पूरे ड्यूरेशन का फाइनल ब्रेकआउट अभी हमने देखने को मिला था दिसंबर मंथ। तो इतने बड़े ब्रेकआउट के बाद इतनी जल्दी मूव फिजल आउट हो जाएगा वो मुझे लगता नहीं है। और यूजुअली हम देखते हैं ना, बजट से पहले इस तरीके काउंटर्स मूव आता है, उसके बाद फिजल आउट हो जाते हैं, तो वो एटलीस्ट वो कंडीशन भी शायद ना देखने को मिले। तो बेस्ट प्रेफरेंस रहेगी कि आप आरसीएफ में एक्यूमुलेट करें ऑन डिप्स 120 के स्टॉप के साथ। ठीक है, आरसीएफ को लेकर ये व्यू लिख